अगर मैं आपको बताऊं कि इस पिक्चर में एक भी बिल्डिंग नहीं है, क्या हुआ, चौंक गए ना? और क्या आपको पता है कि आइंस्टाइन ने जीप बाहर निकालकर फोटो क्यों खिंचवाई थी? और एक ऐसी साइंटिस्ट जिनकी मौत उनके ही आविष्कार की वजह से हुई। आप इस वीडियो में ऐसे ऐसे फैक्ट्स जानेंगे कि आपके मुंह से निकल जाएगा व्हाट द फैक्ट। नंबर वन, आप इस पिक्चर को देखिए, इसमें क्या दिख रहा है, एक बड़ा सा फूल या फिर पत्तों का ढेर। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यह असल में एक जानवर है। जी हाँ, असल में ये एक जानवर है। जब भी उसे शेर या फिर बाघ जैसे जानवर से खतरा होता है, तब वो एक आर्मर जैसे शरीर को रोल करके एक बॉल बन जाता है। इस जानवर का नाम पेंगोलिन है। नंबर दो, आपको यह पिक्चर किसी हॉरर मूवी का सीन लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह कोई हॉरर मूवी का सीन नहीं है, बल्कि एक असली और दुनिया का सबसे डरावना जंगल है। इस जंगल का नाम होइया बाइकू है। इस जंगल के पेड़ कुछ अजीब तरह से मुड़े हुए हैं, जो कि बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगते, क्योंकि ऐसे बेंट और ट्विस्टेड ट्री बहुत ही कम पाए जाते हैं, और यही पेड़ हमें किसी हॉरर मूवी की फील करवाते हैं। नंबर थ्री, मैरी क्यूरी, जो कि एक फेमस साइंटिस्ट थी जिनकी मौत उनके ही आविष्कार से हुई थी। मैरी क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम जैसे दो रेडियोएक्टिव तत्व की खोज की थी। उस सब्सटेंस की रेडिएशन की वजह से ही उनकी मौत हो गई थी, क्योंकि उस टाइम पे उसे नहीं पता था ये तत्व एक तरह की रेडिएशन निकालता है, जिससे हमारी मौत भी हो सकती है। और मैरी क्यूरी ऐसी पहली ह्यूमन थी जिनको दो नोबेल प्राइज मिले थे। नंबर फोर, अब आप इस इमेज को ध्यान से देखिए, आपको क्या नजर आ रहा है, खिड़की और वहाँ से ऊंची ऊंची बिल्डिंग दिख रही होगी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि वहाँ कोई बिल्डिंग है ही नहीं। असल में वहाँ एक बंदा है जो कि खिड़की के पर्दे को कुछ ऐसी शेप में काट रहा है, जो कि एक बिल्डिंग की तरह दिखाई दे रही है। नंबर फाइव, दुनिया का सबसे कम टाइम तक जिंदा रहने वाला जीव मेफ्लाई, जो कि सिर्फ 24 घंटे तक जिंदा रहते हैं, यानी कि जन्म के बाद सिर्फ 24 घंटे यानी कि एक दिन में ही मौत हो जाती है। मेफ्लाई की कुछ ऐसी भी स्पीसीज है जो कि सिर्फ 9 या 10 घंटे में मर जाती है। नंबर सिक्स, कॉस्मिक स्टार ब्रस्ट, यानी कि स्पेस में जब कोई न्यूट्रॉन स्टार टकराता है या फिर फटता है, तो उसे हम कॉस्मिक स्टार बर्स्ट या फिर ब्लिट्जर कहते हैं। और ये न्यूट्रॉन स्टार सिर्फ 1 मिलीसेकंड में फट जाते हैं, और उतने टाइम में उसमें से निकली एनर्जी सन के 10 लाख साल में निकली एनर्जी के बराबर होती है। तो हुआ ये कि अभी तक साइंटिस्ट ने 9 ब्लिट्जर्स के ऊपर रिसर्च की है, जिसे पुराने डेटा से लिया गया था, जो कि किसी भी साइंटिस्ट या व्यक्ति ने देखा नहीं है, यानी कि उसे कभी रियल टाइम होते हुए नहीं देखा गया है। लेकिन 2015 में साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा अनाउंसमेंट किया कि उसने एक ब्लिट्जर को ढूंढ लिया है, जो कि रियल टाइम में हो रहा है। यानी कि साइंटिस्ट ने जब उसे ढूंढा, तब रेडियो कॉस्मिक बर्स्ट की घटना हो रही थी, और ये ब्लिट्जर कई अरबों लाइट ईयर्स दूर होते हैं हमारी धरती से। यानी कि ये ब्लिट्जर जो कि कई करोड़ों साल पहले हो चुका है, जो कि अब जाके उसकी लाइट अर्थ पर पहुंची और वो ब्लिट्जर हमें दिखा है ना, गजब की बात। नंबर सेवन, आखिर अर्थ का डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? तो अर्थ का सबसे डीपेस्ट पॉइंट 66,000 फीट की गहराई पे मौजूद है, यानी कि 11,000 मीटर, जो कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज्यादा है। और इस जगह का नाम मैरीना ट्रेंच है, जो कि पैसिफिक ओशन में मौजूद है। नंबर एट, लॉबस्टर नाम का एक जीव होता है जिसे हम केकड़ा कहते हैं, जो कि एक तरह से अमर होते हैं, क्योंकि केकड़े एक तरह के एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, जो कि उनके डेड सेल्स और डीएनए को रिपेयर कर देता है, और इसी वजह से वो अमर होते हैं। और एक जॉर्ज नाम का लॉबस्टर 140 सालों तक जिंदा रहा था, जो इतिहास का सबसे ज्यादा जीने वाला केकड़ा था। नंबर नाइन, स्पेस में कई ऐसे प्लेनेट है जो कि अपने सोलर सिस्टम से किसी वजह से अलग हो गए हैं, और अभी स्पेस में ऐसे ही किसी भी स्टार को ऑर्बिट किए बिना भटक रहे हैं। तो साइंटिस्ट के मुताबिक अगर इस प्लेनेट पर किसी भी वजह से हाइड्रोजन का एटमॉस्फेयर बन जाए, जो कि प्लेनेट को गर्म रखने के लिए काफी होगा, जिससे वहां की सरफेस पर आसानी से पानी रह सकता है, जिसका सीधा मतलब है कि वहां पर ह्यूमन जिंदा रह सकते हैं, और वहां सनराइज सनसेट नहीं होगा, क्योंकि वहां स्टार है ही नहीं, फिर भी ह्यूमन जिंदा रह सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई प्लेनेट फ्यूचर में खोजा जाएगा? कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 10, ज्यादातर कंट्रीज में कोई बच्चे का जन्म होता है तो उनके माता पिता अपना मनपसंद नाम उस बच्चे का रखते हैं, लेकिन डेनमार्क एक ऐसा देश है जहां कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे का नाम अपने हिसाब से नहीं रख सकते, क्योंकि वहां की सरकार ने 7,000 नाम की लिस्ट बनाई है, जिसके बाहर से कोई भी नाम आप अपने बच्चे का नहीं रख सकते। नंबर 11, ब्रिटिश की रानी एलिजाबेथ दूसरी
जो हैंडबैग अपने हाथ में रखती है वो असल में एक लैंग्वेज कम्युनिकेशन डिवाइस है, जिसका यूज क्वीन अपने सिक्योरिटी स्टाफ से कुछ सीक्रेट और साइलेंट मैसेज पहुंचाने के लिए करती है। नंबर 12, स्पेसक्राफ्ट ग्रेवयार्ड, जो कि स्पेसिफिक ओशन को कहा जाता है, क्योंकि जो भी फेल स्पेसक्राफ्ट गलती से भी अर्थ में एंटर होते हैं वो सीधा पैसिफिक ओशन में जाके गिरते हैं, और इसी वजह से इसे स्पेसक्राफ्ट का ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है। नंबर 13, आखिर आइंस्टाइन ने जीभ बाहर निकालकर फोटो क्यों खिंचवाई थी? मैं आपको बता दूं कि जब आइंस्टाइन अपना बर्थडे मनाने के लिए प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में गए, तब मीडिया और फोटोग्राफर्स ने उनको फोटो खींच खींच के परेशान कर दिया था, और जब वो घर जाने के लिए कार में बैठे तब एक फोटोग्राफर ने उनकी फोटो खींचने के लिए कहा, तब आइंस्टाइन स्माइल कर करके परेशान हो चुके थे, और इसी वजह से उसने कुछ अलग तरह का जीभ बाहर निकाल कर पोज दिया और फोटोग्राफर ने फोटो खींच ली, और बाद में जाकर वो फोटो करीब 1 करोड़ में बिका। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।